बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ से आ रही खबरों की ओर, जहां से एक हृदय विदारक खबर आई है। जहां कातिल कोरोना ने चार मासूमों के सर से मां बाप का साया छीन लिया। जगदलपुर के नेगीगोड़ा में कोरोना ने पहले इन मासूमों की मां को लील ली और अब रविवार को पिता श्रीवास ने कोरोना से दम तोड़ दिया, जिससे इन चार मासूमों के सर से मां और बाप दोनों का साया उठ गया है। वाकई यह दृश्य हृदय विदारक है। वहीं जगदलपुर तहसीलदार पुष्पराज ने बच्चों को कोविड जांच के बाद महिला विकास विभाग के संरक्षण में सौंप दिया है, जिससे इन मासूमों की अच्छी परवरिश हो सके। विभाग को प्राप्त सूचना के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई कि पल्ली नाका गांव में जो है चार बच्चे हैं, जिनके माता पिता की कोरोना संक्रमण के कारण जो है वो मृत्यु हो गई थी, जिसके पास विभाग के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर्स हैं उनके माध्यम से जैसे ही जानकारी मिली तो आज टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और बच्चों का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। बच्चों का रिपोर्ट आना भी शेष है कि बच्चे पॉजिटिव हैं नहीं, अभी जानकारी नहीं हुई है। उसके बाद ही जो है बच्चों को संरक्षण लेके जो कोविड के लिए आश्रय गृह बनाया गया है महिला बाल विकास विभाग के द्वारा, वहाँ पे उन बच्चों को जो है बालिकाओं को बालिका संरक्षण गृह में और जो लड़के हैं बॉयज़ जो हैं उनको बालक संरक्षण गृह में जो है वो आश्रय प्रदान किया जाएगा। बच्चों के लिए वहाँ पे सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, चाहे वो खाने से लेके हो, कपड़े व्यवस्था हो, मेडिकल हो, सारी सुविधाएँ हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी वहाँ पर नियुक्त हैं जो लगातार बच्चों के जो है स्वास्थ्य की जाँच करते रहेंगे और बच्चों को सारी सुविधाएँ वहाँ पर उन संस्थाओं में जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी।